वीर सिंह विराज जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, सरदार भगत सिंह वीर का आगे बढ़ो जिंदाबाद, सरदार भगत सिंह वीर का आगे आज आपसे 21 तारीख को होने वाले उस यज्ञ के लिए उसमें आहुति डालने के लिए हम आपसे अपील करने के लिए आपके बीच में आए। जैसे कि आपको पिछले 5 साल हरियाणा सरकार किया और आपने जो सुनते हैं हम देखते हैं कि वो काम किया, चाहे वो धारा 370 का काम हो, सदे हुए कुत्ते जिनको छेड़ने से पहले राजनीतिक पार्टियां डरती थी वो सौंपती थी क्या बात करने का औचित्य यह है कि 21 तारीख को आपको अपनी बंदूक भी रखनी होगी और अपना लाइसेंस भी रखना होगा। आप हम लोगों का भूल जाए, ये काम तो होना था। मौसम में तो बेशक ठंडक महसूस होने लगी है, लेकिन अगर राजनीति की बात की जाए, इलेक्शंस की बात की जाए, हरियाणा के विधानसभा इलेक्शंस की बात की जाए, तो काफी ज्यादा गर्मी जरूर नजर आ रही है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने स्टार प्रचार का जो है काफी अच्छे से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं असंध हल्का के कुरलन गाँव से। सरदार बख्शीश सिंह जो है अपने राजनीतिक दौरों पर है, काफी जोरों शोरों से जो है गर्मी बढ़ते हुए नजर आ रही है। एक बार उन्हीं से जानते हैं। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल जो है राजनाथ सिंह भी पहुंचे थे आपके समर्थन के लिए, तो उससे कितना जो है आपको सहयोग मिला? देखो, कल हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ जी कल असंध में ठीक 10:30 बजे 11:15 बजे पहुंच गए थे और उन्होंने अपने विचारों के सामने जब जनता को अपने विचार रखे तो जनता ने उनसे बड़े प्रभावित हुए। आज उनके आने के बाद एकदम इतना बदलाव आया है कि जो मेरे राजपूत ठाकुर बिरादरी के जो गांव हैं, चाहे वो बारी है, चाहे वो राडा है, चाहे वो औंगद है, चाहे वो अलावला है, चाहे वो मूणक है, चाहे वो सालवण है, चाहे वो पधाना है, चाहे वो अडाणा है, इन सभी गांव में एकदम से इतना परिवर्तन आया है कि वहां के जो ठाकुर बिरादरी के, राजपूत बिरादरी के जो कार्यकर्ता हैं, वो 90% वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को देने जा रहे हैं। इतना बड़ा परिवर्तन आया है। सर, अगर वीरेंद्र मराठा की बात की जाए, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है, तो उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो इस समय में जो है बाकी सब पार्टीज छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, कांग्रेस सरकार ने इस बार हरियाणा की 90 विधानसभा में से एक भी किसी रोड जाति को टिकट नहीं दिया और भारतीय जनता पार्टी ने 2 प्रत्याशी को टिकट दिया है, एक घरौंडा से और एक पुंडरी से। इसलिए रोड बरादरी के अंदर बड़ा रोष है। उन्होंने मराठा जी, जो कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, मेरे बड़े भाई भी हैं, उन्होंने इस बात को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी की रहनुमाई के अंदर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और जो विधिवत रूप से हमारे बीच में, हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में जाके अपना समर्थन भी दे रहे हैं और उनके कार्यकर्ता भी अपने आप दिल जान से, हमारा परसों से ही कार्यकर्ता मिलजुल कर हमारी बढ़त को और बढ़ा रहे हैं और तेजी से गति कर रहे हैं। सर, अगर इलेक्शंस की बात की जाए, पिछली बार और अब की बार में कितना जो है डिफरेंस देखने को मिल सकता है? देखो, पिछला और आज का जो परिवर्तन है, बहुत भारी परिवर्तन आया है, क्योंकि पिछले चुनाव में मुझे 32,000 के करीब वोट मिली थी और इस बार मुझे इतनी वोट मिलेगी कि हम ये सोच भी नहीं सकेंगे कि इतनी भारी वोट मिलने वाली है। क्योंकि जो परसों एक रिपोर्ट आया है चाणक्य सर्वेर का, जो जॉनसन एंड जॉनसन की एक उनके पीछे सर्वे भी आया था लोकसभा के चुनाव में, जो 98% सही निकला था, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में वीरवार को हमारे को 32,000 की लीड दिखाई है। लेकिन जो परसों आया है एबीपी न्यूज का, एबीपी न्यूज ने हमारी बढ़त जो है 38,000 वोटों की बताई है और जो आज शाम तक जो रिपोर्ट आएगी उसमें मुझे लग रहा है कि हम 40,000 क्रॉस करने जा रहे हैं। क्योंकि आज दिन पर दिन इतना माहौल बनता जा रहा है कि आने वाली 21 तारीख तक जब सुबह लोग वोट डालने जाएंगे तो मेरे ख्याल में को कांग्रेस का, जेजेपी का, अनिलो का और ये बहुजन का, ये आम पार्टी का कोई बस्ता पकड़ने वाला भी नहीं होगा, ऐसा माहौल बनता जा रहा है। तो ये थे हमारे साथ सरदार बख्शीश सिंह, जिन्हें आसपास असंध हल्का के आसपास जितने भी गांव हैं वहां से काफी ज्यादा समर्थन मिल रहा है, जहां 90 विधानसभा सीट है, बहुत सारे उम्मीदवार है। देखना यही होगा 21 तारीख को जनता किस
किसको वोट देती है, किसको चुनती है अपना अगला विधायक, और 24 तारीख को ही डिसाइड होगा आखिरकार किसको मिलती है जीत। नीरा माटा, करनाल, ब्रेकिंग न्यूज, असंत। करीब प्रवीण नरवाल जी हमारे सरपंच एसोसिएशन के जिला के प्रधान भी हैं और भाइयों जाट प्रादेशी भी हैं। हमारे बीच में राणा गांव के सरपंच गजय सिंह जी, ललैंड गांव के सरपंच सरदार बालक सिंह जी भी और सुदामा जी भी चोचला फिट दे थोड़े बीच बोल के गए। कृष्ण जी पवाणा जी एक्स सरपंच, सतपाल नरवाल जी नरूखेड़ी से। मैं इस करके कह रहा हूं कि जो एडे बुजुर्ग और सियाने के समर्थक दिलावर सिंह जिन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल के नाल 40 साल निभाए ने 40 साल और 40 साल की कार्यशैली को देखते हैं और तुहाड़े इन 5 साल के कामों को देखते हुए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में अज ज्वाइनिंग की है। अज तो 5 महीने पहले साढ़े बलबीर धूम जी जो कोलम के ने भी भारतीय जनता पार्टी च इंडियन नेशनल लोकदल छड़ के आसन से विधायक एवं आप लोगों के आशीर्वाद से आने वाले विधानसभा आसन से भावी विधायक भारी बहुमत से जिताने के लिए अपील करने आया हूँ। ये प्रधानमंत्री जी के हाथ में अपने देश की बात हो रहा है। आपका देश 5 साल पहले कहाँ था और आगे कहाँ है, कोई बात नहीं तो दिक्कत होगी। कोई बात नहीं आपकी जहाँ इच्छा आप वहाँ बता दो, कोई बात नहीं, सब होता है, कोई बात नहीं। अपने विधायक के लिए जो सोच रहे हैं और हमारे बीच में राम मेहर जी जो दूसरी पार्टी। नमस्कार, इस समय आप लाइव तस्वीरें देख रहे थे असंध हल्का के गांव कुल्लन की, जहां बख्शीश सिंह की बात की जाए तो काफी ज्यादा लोग समर्थन देते जरूर नजर आ रहे हैं। जहां कल राजनाथ सिंह भी पहुंचे थे यहां पर उन्हें समर्थन देने के लिए, उनके लिए वोट मांगने के लिए। साथ ही साथ अगर बात की जाए यहाँ इस हल्के की तो आप देख सकते हैं जितने भी लोग हैं काफी ज्यादा समर्थन जरूर देते नजर आ रहे हैं। ये जानते हैं जनता से कि उनका क्या कुछ कहना है, क्या क्यों वो किसको वोट देने वाले हैं और इस बार क्यों। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किसको इस बार जो है वोट देने वाले हैं और बीजेपी को दे रहे हैं, जाकि क्योंकि सेंटर में जो बीजेपी सरकार है वो जो देश में बहुत अच्छा काम कर रही है और स्टेट में भी जो मनोहर लाल खट्टर जी की अध्यक्षता में जो काम कर रहे हैं इसी कर का बख्शीश पे बहुत ही जो विकास के कार्य किए। हसन हल्का एक गांव की तरह हल्का था, अब उसमें यहाँ बख्शीश सिंह जी ने दो दो कॉलेज दे दिए हैं, स्कूल बाल्मीके बना दिए, सड़क तो इतनी है कि कांग्रेस सरकार के टाइम में हुड्डा जी के पास जाते थे तो बोल देते थे सड़कों को छोड़ के पुल को छोड़ के और काम बता दो। विकास का कार्य तो सड़कें होती हैं, पुल होते हैं, वही विकास का कार्य होते हैं। मैं मराठा समाज से हूं, पूर्व सैनिक सभा का अध्यक्ष हूं, जो फौजी भाई हैं वो मेरे साथ हैं, तो इसी कर का मैं भी पूरी मराठा समाज को पूरी रोड बरादरी को साथ कल हमारी मीटिंग हुई थी वहां पेट्रोल पंप पे, सब ने पूरी बरादरी ने बीजेपी का समर्थन दे दिया है और जो फौजी मेरे साथ हैं पूर्व सैनिक के मैं उनका प्रदेश अध्यक्ष हूँ, फौजी मेरे साथ हैं और ऑन ड्यूटी वाले जो फौजी हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट ताकि वहां कमल के फूल पे अपना मोर लगा करके जो सेंटर में सरकार है और सेंटर ने तो हमारे को 5% डीए दे दिया, 30% अलग से डीए दे दिया, 1 rank 1 pension दे दी, फौजियों का इतना मान सम्मान बढ़ाया, जहां फौजियों का मान सम्मान होगा वहां देश का मान सम्मान होगा और जहां हमारी बरादरी का मान सम्मान होगा वहां पूरे देश का मान सम्मान होगा। इसलिए हम सोचते हुए इसीलिए बख्शीश सिंह जी के साथ समर्थन के साथ खड़े हैं और जो हमारे साथ हैं यहां 20,000 के करीब हमारी बरादरी की 24,000 वोटे हैं और हमारे सरपंच 24 सरपंच है, 24 के 24 मेरी बरादरी के बख्शीश सिंह के साथ हैं और इसी का समर्थन करते हैं, इसी को वोट देंगे, कमल के फूल के आगे मोर लगा करके कमल को विजय बनाए, बीजेपी को विजय बनाए। जय हिंद। जान मैं पूर्व सैनिक सभा का प्रदेश अध्यक्ष लखीराम फौजी दादूपुर गांव से, जय हिंद जय भारत। जी सर, अगर डिफरेंस की बात की जाए तो पिछली बार और अब के मुकाबले में कितना जो है इस बार मार्जिन, कितना डिफरेंस देखने को मिल सकता है। मैडम जी, आप अलकासंद नहीं, आप पूरे 90 हलकों की बात कर लो,
वोटें पड़ रही है नरेंद्र मोदी जी को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को वोटें पड़ रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी को वोटें पड़ रही है, हमारे हलके में सरदार बख्शी सिंह को, विकास को, सबका साथ सबको विकास को, जो असंध हल्के में 48 सालों में काम नहीं हुए हमारे विधायक जी ने 5 सालों में करके दिखाए। तो जो फैक्टर है बहुत मोदी जी का फैक्टर है, खट्टर जी का फैक्टर है, हल्के के विधायक के कार्यों का फैक्टर है, जात पात से ऊपर उठ के हरियाणा में जो काम हुआ उसका फैक्टर है, छोटे गरीब अमीरी से ऊपर उठ के जो काम हुआ है उसका फैक्टर है, बहुत फैक्टर है, एक तरफा माहौल है और 50,000 से ज्यादा अलका संघ में विधायक जी की जीत है। भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि आपने लाइव तस्वीरों में देखा किस तरीके से कहीं ना कहीं एक तरफा माहौल जरूर नजर आ रहा है अगर असंध हल्का की बात की जाए, लेकिन देखना अब यही होगा कि 21 तारीख को के कौन किसको वोट डालता है, 24 तारीख को जो है नतीजे आएंगे, क्या कुछ नतीजे रहने वाले हैं, आखिर असंध हल्का से कौन बनता है विधायक। ऐसी हर इलेक्शन रिलेटेड छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारी ऐप करनाल ब्रेकिंग न्यूज प्ले स्टोर पर जाकर, एप्पल यूजर्स हैं तो ऐप स्टोर पर जाकर आज ही डाउनलोड जरूर कीजिए। ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे थे असंध हल्का से किस तरीके से काफी ज्यादा समर्थन लोग जो है सरदार बख्शीश सिंह विर्क जी को करते हुए नजर आ रहे हैं। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। नीरा माटा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, असंध। मेरा कहने का मतलब है उनते जिले समझदार आदमी ने उनके दोस्तों अपने आप ही आ रहे हैं, उन्होंने कहने की लोड़ ही नहीं पैली क्योंकि उन्होंने पता है हम सरकार आनी है और 75+ का जो नारा लगा सी तीसरे नंबर पे कमल कमल का फूल है। भाइयों सभी देख रहे ना ध्यान से, आप तो नहीं बोलोगे ना, तो जो ये बटन सामने वाला कमल के फूल के बटन है ना, जो इलेक्शन होगा 21 तारीख को।